हेलो एवरीवन, हम कहानी के माध्यम से इंग्लिश को सीखने का प्रयास करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की कहानी का जो टाइटल है वो है द टू फ्रॉग्स। टू का मतलब होता है दो और फ्रॉग्स का मतलब होता है मेंढक। इस कहानी के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रामर के कंसेप्ट आएंगे वो मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आएंगे उनको भी हम सीखने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। वंस का मतलब होता है एक बार। दोस्तों, अगर सेंटेंस के अंदर वंस दिया हो या वंस अपॉन अ टाइम दिया हो, दोनों का ही मतलब होता है एक समय की बात है। ये उस बात के बारे में बात करता है जो समय गुजर चुका है, एक समय की बात है या पुरानी बात है, ठीक है। टू मतलब होता है दो, फ्रॉग मतलब होता है मेंढक, प्लेड मतलब होता है खेले, ईडी लगने के बाद वर्ब की बन गया सेकंड फॉर्म। इसलिए मैंने आपको बताया था इसका हिंदी मीनिंग निकालते समय हम इनके लास्ट में आ या फिर बड़ी ई या फिर ए जैसे शब्द लगाते हैं, यानी कि वर्ड लगाते हैं। तो खेले यानी कि बात गुजर चुकी है। नियर मतलब होता है पास, ए मतलब होता है एक, पॉट मीन्स होता है बर्तन, ऑफ मतलब के, और क्रीम मतलब क्रीम जो दूध से निकाला जाता है। एक बार दो मेंढक खेले एक क्रीम के बर्तन के पास, नियर ए पॉट ऑफ क्रीम। बात समझ में आ गई। दे मतलब होता है वे, दे मतलब वे या उन्होंने, डिसाइडेड मीन्स होता है निर्णय किया, उन्होंने इरादा किया क्या करने का। लुक की बात करेंगे केवल, इनटू की नहीं। लुक मतलब देखने का, इनटू मतलब के अंदर, द पॉट, पॉट मतलब बर्तन के अंदर, एंड और पेल मतलब गिरा, इनटू मतलब के अंदर, इट मतलब इसके। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है दो दोस्तों की, दो मेंढकों की जो बहुत पक्के दोस्त होते हैं मेरे और मेरे दोस्त की तरह। और ये दोनों क्या करते हैं, एक बर्तन के पास खेल रहे होते हैं और ये फिर प्लान करते हैं कि आओ उस बर्तन के अंदर झांक कर देखा जाए। उसके बाद क्या होता है, एक मेंढक उसके अंदर गिर जाता है, गिर तो दोनों ही जाते हैं। तो फिर ये इनमें से एक हिम्मत हारने लगता है और दूसरा हिम्मत नहीं हारता है, तो एक डूब जाता है और एक जो है फिर वो बाहर निकल जाता है। उसके स्ट्रगल की कहानी है। आइए बढ़ते हैं आगे। दे मीन्स वे, कुडंट गेट आउट ऑफ द पॉट, वे नहीं आ सके आउट मतलब बाहर, ऑफ द पॉट बर्तन के बाहर, ऑफ मतलब के और पॉट मीन्स बर्तन, तो वे बर्तन के बाहर नहीं आ सके। सो दे स्वाम राउंड एंड राउंड, इसलिए क्या करते हैं वो, दे मीन्स वे, स्वाम मतलब तैरे, ये स्विम की सेकेंड फॉर्म है, स्विम मीन्स तैरना होता है और स्वाम और स्वम यानी कि फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। राउंड एंड राउंड का मतलब होता है गोल गोल, ठीक है। तो गोल गोल वो तैरने लगते हैं उस बर्तन के अंदर, इन द क्रीम, किसके अंदर, क्रीम के अंदर, ठीक है। आगे क्या होता है, वन ऑफ देम इज अफ्रेड एंड सैड, ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वन ऑफ देम, उनमें से एक इज अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ,
डरा हुआ, ये वर्ड यहाँ पर दोस्तों आपका बनेगा एडजेक्टिव, ठीक है, और इज यहाँ पर बनेगी मेन वर्ब। उनमें से एक डरा हुआ है, एंड सैड, और उसने कहा, एंड मीन्स और, सैड मीन्स कहा, और उसने क्या कहा, ओहो दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी का अंत है। दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, द एंड अंत, ऑफ मीन्स का की के होता है, माई लाइफ मेरी ज़िंदगी का, मेरी जिंदगी का, ठीक है, ये है अंत मेरी जिंदगी का, ठीक है। इट स्टॉप्ड स्विमिंग एंड सैंक, इट मीन्स इसने क्या किया, स्टॉप मतलब बंद कर दिया, स्टॉप मतलब बंद कर दिया, स्टॉप मीन्स बंद कर दिया, स्विमिंग क्या करना, तैरना, इसने बंद कर दिया तैरना, एंड मीन्स और, सैंक होता है सिंक की सेकंड फॉर्म, सिंक, सैंक और संक, ठीक है। ये आपकी एक ऐसी वर्ब है जिसकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम नहीं करेगी, ठीक है, इसके लिए अलग से एडजेक्टिव होता है, संकन होता है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है। बट द सेकेंड फ्रॉग इज ब्रेव एंड क्लेवर, परंतु, बट मीन्स परंतु, द सेकेंड फ्रॉग जो दूसरा मेंढक है, इज मीन्स है, ब्रेव बहादुर एंड क्लेवर मतलब चतुर, ही स्वाम एंड स्वाम, वो तैरता है, इसके कहने इस बात का मतलब ये है कि वो यानी कि लगातार तैरता है, ही स्वाम एंड स्वाम, वह तैरा और तैरा यानी कि लगातार तैरा, एंड मतलब और, बीट द क्रीम, बीट मतलब होता है पीटना, द क्रीम तो वह पीटता है, वो पीटता है, द क्रीम मतलब क्रीम को, वो पीटता है क्रीम को, विद इट्स लिटिल फीट, अपने छोटे पैरों से, अपने छोटे, लिटिल मीन्स होता है छोटे, और फीट होता है पैरों से, द क्रीम बिकेम ए बॉल ऑफ बटर, जो क्रीम था वो बिकेम होता है, बिकम की सेकेंड फॉर्म, यानी कि बन गया, जो क्रीम था वो बन गया, क्या बन गया, ए मीन्स एक, बॉल मीन्स गेंद, ऑफ मीन्स का की के, और बटर मतलब, बटर क्या होता है, मक्खन, तो जो क्रीम था वो मक्खन की एक बॉल बन गया। जो मेंढक लगातार उस पर पैर मारता रहा, तो आपको पता ही है कि दूध को यानी कि मक्खन को ज़्यादा चलाते हैं सॉरी कि दूध को ज़्यादा चलाते हैं तो मक्खन बन जाता है उसमें, ठीक है। द फ्रॉग जम्प्ड ऑन द बॉल ऑफ बटर एंड गॉट आउट ऑफ द पॉट, यहाँ पर सेंटेंस होता है कंप्लीट। जो मेंढक था वो जम्प्ड मतलब कूदा, द मेंढक यानी कि द फ्रॉग जम्प्ड ऑन द बॉल, वो कूदता है किसके ऊपर, गेंद के ऊपर, ऑफ बटर मक्खन की, एंड और गॉट आउट ऑफ यानी कि आ जाता है बाहर, द पॉट किसके, बर्तन के। ये थी कहानी आपकी, ठीक है।